हेलो फ्रेंड्स, आज आपका मेरा दीप्ति के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको खादी मिक्स फ्रूट का रिव्यू बताने जा रही हूँ कि ये कैसा सोप है और कैसे ये आपकी स्किन पर काम करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खादी का मिक्स फ्रूट मैंने लिया हुआ है, ये मैंने ऑफलाइन लिया है, पास की दुकान से लिया था मैंने इसे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, हैंडी क्राफ्टेड हर्बल सोप विद एसेंशियल ऑयल्स, यानी कि ये हर्बल सोप है। इससे पहले भी मैंने इसके कई सारे पैक्स यूज़ किए हैं और इसीलिए मैं आपको इसका रिव्यू बता रही हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्स फ्रूट है, ये इसमें बहुत सारे फ्रूट मिक्स किए गए हैं, जैसे कि पपाया हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सारे फ्रूट्स इसमें ऐड किए गए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, मतलब कोई फालतू की इसमें खुशबू नहीं हुई है, दी गई है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो दूसरे सोप्स होते हैं, अदर सोप्स होते हैं, उनमें महक होती है, और जो महक होती है वो आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती, वो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन ये जो आप सोप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नेचुरल है, और ये आप यूज़ करके देखिएगा। वैसे ठंडी और गर्मी दोनों सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसीलिए गर्मी में इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है, काफ़ी दिन तक चलता है ये सोप। तो मिक्स फ्रूट है, इसमें इसको जब आप अपनी स्किन पर लगाएंगे, जिससे आप अपना फेस धोएंगे, तो फेस बहुत ही सॉफ्ट होता है। और जैसे कि थोड़े बहुत अगर फेस पर दाग धब्बे हैं तो उसे भी धीरे धीरे से ये क्लीन कर देता है, स्किन बिल्कुल सॉफ्ट है। और अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से इसकी स्किन के लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो हर तरीके की स्किन के लिए ये फ़ायदेमंद है, इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं पड़ा है जो आपकी स्किन को नुकसान पहुँचाए। और बहुत ही सॉफ्ट रखता है, ठंडी में यूज़ कीजिए चाहे गर्मी में यूज़ कीजिए, दोनों के लिए ही ये बेटर है। और सॉफ्ट रखेगा, थोड़े बहुत दाग धब्बे मिटाएगा, और स्किन नेचुरली अच्छी बनी रहेगी, किसी तरीके का कोई केमिकल इसमें नहीं है। तो स्किन को ये चमक भी देता है, चमक देता है। और थोड़े बहुत जैसे दाने, कुछ लोग पूछते हैं कि दाने हो जाएं अगर तो क्या करें, तो क्या अगर दाने वगैरह हो जाएं तो इसको यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, दाने में बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा नहीं करता है। दाने के लिए तो आपको कोई अच्छा सा नीम वाला फेस वॉश यूज़ करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा दाने हैं तो भी ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता है, थोड़े बहुत दाने हैं तो उसे हल्का सा सुखा सकता है। और अगर दाने की समस्या है तो आप देख सकते हैं इसको, इसे पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि परफेक्ट है सारे सीज़न के लिए, और इसे आप पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं या फिर फेस पर ही लगा सकते हैं। 100% नेचुरल है, नो हार्मफुल केमिकल्स हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा है सोप है ये। तो अगर आप कोई नेचुरल और अच्छा सोप ढूंढ रहे हैं तो ये अच्छा सोप है। मैंने मिक्स फ्रूट लिया है बिकॉज इसमें सारे फलों के तत्व मिल जाते हैं जो हमारे स्किन को अच्छा रखते हैं। तो इस तरीके के अगर आप साबुन यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन काफ़ी दिनों तक अच्छी रहेगी, स्किन पर किसी तरीके का कोई दाना वगैरह नहीं निकलेगा। तो अगर दाना है तो दाने के लिए मैं ज़्यादा इसको रिकमेंड नहीं करती हूँ, और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी स्किन बाकी के दिनों में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको कैसा लगा मेरा ये रिव्यू? इसी तरीके के और भी चीज़ों के रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।